देवास जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत हुई है। कांग्रेस की लीला भेरूलाल अटारिया अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। लीला अटारिया को 11 मत मिले, वहीं भाजपा समर्थित प्रत्याशी को 6 मत मिले, एक वोट निरस्त हुआ। जीत के बाद कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने खुशी जताई। सज्जन वर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किसानों ने भाजपा की सरकार को नकार दिया है। प्रदेश में 65% किसान हैं और ये चुनाव परिणाम किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों का ही है। विधानसभा चुनाव में इनका असर जरूर पड़ेगा। ये बिल्कुल ये प्रसन्नता किसान के द्वारा दी गई है, उनके परिवारों के द्वारा दी गई ये प्रसन्नता है। उन लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ इस जिले में तो कम से कम शिवराज सिंह चौहान की गलत नीतियों से बदला लेके कांग्रेस का परचम ले रहा है। आगाज है ये शिवराज चौहान के लिए कि 2023 में गायब हो जाओगे। क्या अध्यक्ष तो बन गया जिला पंचायत में, आज उपाध्यक्ष भी, बस 15 मिनट में खबर आती है उपाध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी का बने। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि इन चुनाव परिणामों का असर विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। ये सभी लोग जानते हैं कि 2023 का ये सेमीफाइनल है। नगरीय निकाय चुनाव रोकने का शिवराज सिंह ने बहुत कुप्रयत्न किया, रोज नए नए बहाने, कभी ओबीसी के आरक्षण का बहाना, कभी मौसम का बहाना, कभी परीक्षा का बहाना। पहली बार 16-0 का स्कोर था नगरीय निकायों में। नगर निगमों की मैं बात कर लूं तो 5 तो हम नगर निगम जीते, 2 बेईमानी से हराए गए, बुरहानपुर और उज्जैन। एक आप पार्टी को, निर्दलीय को, इस तरीके से 7-7 का स्कोर होता है। सुबह तक, मध्य रात्रि को 4 बजे तक भी टेलीफोन आते रहे। शिवराज सिंह जी से चर्चा कराने का प्रयत्न किया गया, राजा महाराजाओं से चर्चा कराने का प्रयत्न किया गया, पैसों का लालच दिया गया। मैंने पहले भी कहा कांग्रेस कार्यकर्ता न बिका है न बिकेगा, हमें एक वोट ज्यादा मिला है, इसकी जांच बीजेपी को करना चाहिए। देवास जिले में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई।